दोस्तों आप देख रहे हो टेक्निकल बुकर्स यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा प्रीमियम थीम जिसको यूज करने में आपको तुरंत एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। अगर ये थीम आप यूज करोगे तो इसका फायदा क्या है, लोडिंग स्पीड बढ़िया होगा, एड्स लोडिंग भी इसमें बढ़िया दिखेगा, मतलब कोई भी एड्स लोड स्लो नहीं होगा, फास्ट होगा, वेरी फास्ट थीम। और इसके सहारे आप तुरंत आर्टिकल इंगेज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इस थीम में मिल जाएगा। इस थीम में अभी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस थीम को कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे इसको डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन क्या है, थीम का नाम क्या है, पूरा चीज़ दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो दोस्तों ब्लॉगिंग टिप्स या ब्लॉगिंग के बारे में कुछ जानना हो या कुछ आपको सीखना है, प्रीमियम थीम एडसेंस एप्पल वेबसाइट खरीदना है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर दिया गया है, स्क्रीन में देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। कुछ ऐसे टिप्स अगर आपको चाहिए तो शायद आप मेरे जो लाइव करता हो शनिवार को लाइव में जुड़ सकते हो। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप के स्क्रीन में और आपको दिखा देते हैं वो थीम क्या है और कैसे इसको कस्टमाइज करना होता है। जो वेबसाइट आप ऑन स्क्रीन में देख रहे हो, ये वेबसाइट का लोडिंग स्पीड बहुत बढ़िया है और ये वेबसाइट एकदम नए है, तो मैं कस्टमाइज करके आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोग एडसेंस अप्रूवल नहीं कर पा रहे हो और आपका आर्टिकल रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इसी के कारण एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, ट्रैफिक भी कम है, तो आप ये थीम को यूज़ कर सकते हो। एकदम लाइट थीम है दोस्तों, तो कुछ भी एकदम सिंपल है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ आर्टिकल लिख के आप कमा पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको चले जाना है पहले ब्लॉगर पर। जाने के बाद मैं का कोड दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, जो भी ज्वाइंट होगा उसको मैं दे दूंगा। वहाँ पर थीम्स का एक ऑप्शन में क्लिक करोगे, करने के बाद कस्टमाइज ऑप्शन में जाने के बाद रजिस्टर कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। एडिट स्टेशन में जाने के बाद आपको क्या करना है, पुराना वाला जो भी कोड है कोड को एक बार में सेलेक्ट कर लोगे। करने के बाद बैक स्पेस मार के सारे को हटा के अभी वो का जो कोड है वो सारे कोड को ऐसे कॉपी करके यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, टेस्ट करने के बाद सेव कर दोगे, ऐसे करके आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हो या यहाँ पर आके रजिस्टर में जाके अपलोड भी कर सकते हो। तो अपलोड में करोगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एडिट स्टेशन में जाओ, कोड को कॉपी करो, यहाँ पर कोड टेस्ट कर दो, बस यही रहेगा इस थीम के साथ। उसके बाद आपको लेआउट पर जाना है। लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ पे कौन कौन से चेंज करोगे, जैसे कि लोगो है, जो लोगो चेंज करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे हेडर ऑप्शन है और हेडर ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो सरकारी जॉब सेंटर हेडर ऑप्शन, मेरा वेबसाइट का नाम है सरकारी जॉब सेंटर। एडिट में जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे अपलोड पेज है, जो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे मेनू है, मेनू को चेंज करना, तो ये एजुकेशन रिलेटेड पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे थंबनेल नहीं लगाया है, इसलिए थंबनेल नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे अगर थंबनेल लगा था तो होता। ठीक है, मुझे सारे के सारे यहाँ पर मेनू को चेंजेस करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको यहाँ पे थीम्स ऑप्शन में जाना होगा। थीम्स ऑप्शन में जाने के बाद कैसे आपका मेनू चेंज कर सकते हो वो आज दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो में बने रहिए। एडिट स्टेटमेंट लिखा है, एडिट स्टेटमेंट में जाओगे, जाने के बाद यहाँ पर टाइप कर दो कौन कौन सा मेनू है, अदर्स, तो यहाँ पे अदर्स टाइप करोगे। ठीक है, कंट्रोल एफ करके मैं फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं जब भी एंटर मारूंगा तो अदर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अदर्स आ गया है। ठीक है, अभी अदर्स की जगह मैं सबसे क्या रखूंगा, यहाँ पे अदर्स की जगह रखूंगा मैं यहाँ पे यहाँ पे जनरल नॉलेज की एजुकेशन वाला वेबसाइट है। जनरल नॉलेज रखता हूँ, और जनरल रखने के बाद मुझे इस सारे को नहीं चाहिए, तो मैं ये सारे चीज को यहाँ से यहाँ पर कट करके हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो काट दिया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा उधर था, तो यहाँ पर लिखूंगा जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। अभी एक बार रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जनरल नॉलेज आ जाएगा, देखो जनरल नॉलेज आ गया है। और यहाँ पे फीचर्स है, फीचर्स को मैं चेंज करके मैं यहाँ पे रखूंगा हिस्ट्री,
हैं यहाँ पे, फिर रखता हूँ और यहाँ पर मैं मुझे रखना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और उसके बाद यहाँ पर डालूंगा लाइफ साइंस। लाइफ साइंस और यहाँ पर मैं रखूंगा लाइफ साइंस हो गया और यहाँ पे हो गया और यहाँ पे मैं रखूंगा के ऊपर क्या होता है नोट्स, एन और एस नोट्स। नोट्स रखने के बाद क्या तक नहीं चाहिए, ठीक है, चारों पेज चारों में रखता हूँ और बाकी करता हूँ, अभी सेव कर दूंगा। तो सेव होने के बाद यहाँ पर आने के रिफ्रेश दोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, यहाँ पर देखो हिस्ट्री आ गया है, ज्योग्राफी आ गया, लाइफ साइंस और सब यहाँ पे चेंजेस हो गया है। और आपको यहाँ पर अगर मेनू लगाना है, मतलब लिंक लगाना है, मानो कि ये वाला जो पोस्ट है यहाँ पर आने का पोस्ट है, यहाँ पर देख लो। देखने के बाद पोस्ट का जो भी टैग अपने लगाए हुए यहाँ पे, टैग कहाँ पर है, टैग साइज ऊपर है, पर देखो जनरल नॉलेज तो मैंने कॉपी कर रहा हूँ, ऊपर में जो लिंक है कॉपी करने के बाद मुझे लगाना है जनरल नॉलेज के अंदर। तो यहाँ पर देखो जनरल नॉलेज के अंदर यहाँ पर हर लिंक जो है वहाँ पर हैश दबाया है, और हैश की जगह मुझे सिलेक्ट करके मुझे कंट्रोल जी से सरकारी जॉब सेंटर लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे सरकारी जॉब सेंटर में लगा दिया। अभी इसको अगर एंड है, एंड की जगह AMP यहाँ पे सेमी को लगाए हुए, पर वरना यहाँ पे सेव नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर तो बन गया मेरा, तो यहाँ पर मेरा बन गया है। अभी यहाँ पे करूँगा तो जनरल नॉलेज में, तो जनरल नॉलेज आ जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी आ गया है जनरल नॉलेज रिलेटेड जो भी सब, वो यहाँ पे आ गए। ऐसे करके आप सारे के सारे पेजेस को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट कैसे डालना है देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे बैक करना है। अगर एड्स डालना चाहते हो, अगर किसी के पास एड्स अप्रूवल है, तो वो भी इसकी मदद से बहुत अर्निंग कर पाओगे। लेआउट के ऑप्शन में जाना है, जाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सोशल इमेज है ना, इसको आप पहले हटा दो, इसको हटा देता हूँ, ये एड्स मुझे नहीं चाहिए। कौन सा वाला एड, ऊपर में जो एड्स देख रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए। इसकी जगह आप अपने यूट्यूब चैनल का भी लिंक डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, पर मैं पे ऐड करता हूँ। हो गया है अभी, ऐसा लग रहा है, तो हो करके मैं एक बार देख सकता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए कैसा लग रहा है, और नीचे देखिए जो सोशल मेनू है, सोशल मेनू को ऑलवेज आपको रखना है। तो सोशल मेनू को कैसे चेंज करना है, लेआउट में जाओगे, थोड़ा नीचे आओगे, और आने के बाद यहाँ पर देखो जो एड्स चल रहा है, वो एड्स को मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। एड्स मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए पॉपुलर गैजेट, तो यहाँ पर मैंने 5 की जगह 7 कर दूँगा, 7 कर दूँगा ऑल टाइम सेट कर दूँगा। और एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा, एड चला गया है, पॉपुलर गैजेट यहाँ पे नहीं आए, क्या है पॉपुलर गैजेट आ गया। तो अभी कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं पड़ा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे रहे, इसको भी मैंने रिमूव कर देता हूँ। अभी देखिए थोड़ा देखिएगा, जाओगे आप यहाँ पे ऐड ए गैजेट क्लिक करोगे। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं यह चाहता हूँ यहाँ पर जो मेरा पॉपुलर पोस्ट हो वो यहाँ पे दिखे, इसलिए इसको ऑन करना है। जस्ट आपको यहाँ पर सेव कर देना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे लिस्ट आ गया है, थंबनेल के सिवाय, बिना थंबनेल के। तो यहाँ पर कितना अच्छा दिख रहा है देखिए, और यहाँ पर होम करता हूँ, होम करने के बाद दिख रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं इसका कोड दे दूंगा, मेरा टेलीग्राम से आप जाके पास। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो कॉपीराइट फुटा है वहाँ पर अभी आप चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपका ही आ जाएगा, कुछ यहाँ पे चेंजेस करना नहीं है। अगर आपके हाथ में समय कम है, आर्टिकल लिख रहे हो, एक ब्लॉग बनाओ, तो ये चीज़ को यूज करोगे, कम समय में आपको एडसेंस अप्रूवल होने में आसान कर देगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी किसी को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है, तो अगर आप केस नहीं हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा सा थीम लेना, तो इसको यूज कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस थीम को यूज करने में आपको अप्रूवल मिल जाए। तो आज का इस वीडियो में ये चीज कर ले कि क्या था, तो रिव्यू हो गया है। नेक्स्ट डे में नया टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ब्लॉगिंग
फिलहाल एग्जिट एग्जिट।